इसका संपूर्ण और अचूक उपाय तभी होगा जब समाज इसमें पहल करेगा। बुद्धि और भावना सहित अपने आचरण में आपस में सद्भावना और अपनेपन का व्यवहार किए बिना इसका इलाज नहीं होता है। पंथ संप्रदाय जाति उपजाति भाषा प्रांत इसकी विविधता है, रहेगी, उसको चल के भी संघर्ष भड़काया जाता है, उसका हल क्या हो? कोई कानून सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, सरकार ने वो नहीं किया, दोनों समय असंतोष हो गया, अब इसका इलाज क्या है? कानून इलाज है क्या? इलाज तो हमारी आपसी सद्भावना है। इतने प्रकार की विविधता है तो सबके हित में भी विविध प्रकार है, लेकिन अलग अलग हित होने के बाद भी हम मिलकर चल सकते। किस बात पे चल सकते? हम सद्भावना के बल चल सकते, समरसता के बल चल सकते, उस सद्भावना से समरसता से परिपूर्ण व्यवहार का अनुभव सब लोगों को आपस में हो, समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है, विशेषकर चिंतन करने वाले सुबुद्ध नागरिकों की जिम्मेवारी है, उनके बोलने में करने में किसी प्रकार का असंतुलन न हो। अन्याय की प्रतिक्रिया में हम दूसरे अन्याय को जन्म न दे, अधर्म की प्रतिक्रिया दूसरे अधर्म को न लावे। नहीं बैरानी संबंती, बैर से बैर नहीं समता, तथागत का उपदेश है। समाज का ये आपस का स्नेह कायम रहे, सद्भावना कायम रहे, समाज की एकता को बढ़ाने वाले हमारे सारे क्रियाकलाप हो, इसका ध्यान हम सबको रखना पड़ेगा। और अन्याय को निरस्त करते समय भी, दुख को वाचा देते वाणी देते हुए भी, आंदोलन अभियान करते हुए भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। संविधान अपने देश को देते समय 25 नवंबर 1949 पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जो भाषण है वो तो बार बार हम नित्य पढ़े ऐसा भाषण है।